गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्राफ डेटाबेस क्या होता है, आप लोगों को क्यों ग्राफ डेटाबेस के बारे में जानना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को Neo4j का Neo4j AuraDB जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ग्राफ डेटाबेस है उसका डेमो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होता है सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस। जब दो नोड्स एक ग्राफ में एज से कनेक्टेड होते हैं तो हम उन दोनों को नेबर्स कहते हैं। किसी भी ग्राफ में एक नोड कितने नोड्स से कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जब भी कोई नोड अपने आप से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग लूप कहते हैं। एक पाथ सीक्वेंस ऑफ नोड्स होता है जो कि कनेक्टेड होते हैं एजेस से, और किसी भी एक ग्राफ में साइकिल क्लोज्ड पाथ को कहते हैं। तो ये ग्राफ के कुछ बेसिक्स हैं जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ग्राफ डेटाबेसेस को यूज क्यों करना चाहिए। जब भी हम अपने डेटा को ग्राफ्स के फॉर्म में मॉडल करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। अगर आज की तारीख में मैं आप लोगों से कहूं कि आप किसी भी ट्रेडिशनल डेटाबेस में, चाहे वो MongoDB जैसा डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस हो या फिर MySQL जैसा रिलेशनल डेटाबेस हो, उसमें अगर आपको किसी भी टेबल की रिलेशनशिप को दूसरी टेबल से मैप करना हो तो आप लोग या तो प्राइमरी की का इस्तेमाल करोगे रिलेशन डेटाबेस में, या फिर आप डायरेक्टली उस डेटा को ही लाकर पटक दोगे अगर आप डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत डीपली नेस्टेड जाना पड़ गया किसी एक ग्राफ में, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को एक डेटाबेस में स्टोर करना है कि एक इंसान किसका दोस्त है, वो किसका दोस्त है और वो किसका दोस्त है, और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो कि मैंने स्टोर करी है उस पे ऑपरेशंस भी बहुत फास्ट चाहिए, ट्रैवर्सल बहुत फास्ट चाहिए, कभी भी मैं कोई चीज सर्च करूं तो वो बहुत फास्ट हो, तो ये सारी की सारी चीजें करना चैलेंजिंग हो जाती है एक ट्रेडिशनल डेटाबेस में। और ऐसे में आता है ग्राफ डेटाबेस पिक्चर में, जो कि आप लोगों को डेटा को ग्राफ के फॉर्म में मॉडल करके देता है। डेटा को ग्राफ के फॉर्म में मॉडल करने का एक सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलता है कि हम ग्राफ में ग्राफ एल्गोरिथम्स लगा सकते हैं। आप लोगों ने अलग अलग तरह के ग्राफ एल्गोरिथम्स के बारे में अगर पढ़ा ना हो तो सुना तो जरूरी होगा, जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, क्रिस्कल्स एल्गोरिथम, डिस्ट्रॉज एल्गोरिथम, प्राइम्स एल्गोरिथम, और भी बहुत सारे ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जो कि इन पर लगाए जा सकते हैं। तो ग्राफ की तरह इन्फॉर्मेशन को मॉडल करने का एक सबसे बड़ा जो हमें एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि जो इनकी रिलेशनशिप्स होती हैं वो हमें क्वेरी टाइम पर कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो क्वेरी टाइम पर वो जाकर देखेगा दूसरे टेबल में क्या डेटा है, कौन सा डेटा किस टेबल से मैच कर रहा है, लेकिन यह ग्राफ में एक नोड कनेक्टेड है अपने आपस के नोड से और डायरेक्टली हमको पता है कि एक नोड किस किस से कनेक्टेड है और किन किन नोड से क्या क्या रिलेशन रखता है। तो एक ग्राफ डेटाबेस कुछ इसी तरह की चीज होती है। बहुत सारे नोड्स होते हैं जो उनकी एजेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं दूसरी एजेस से विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस जो कि रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर ग्राफ डेटाबेस की बात करें तो Neo4j एक इंडस्ट्री लीडर है और Neo4j की सहायता से आज की तारीख में बहुत सारी कंपनीज अपने ग्राफ डेटाबेसेस मेंटेन एंड मैनेज करती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को Neo4j के AuraDB के बारे में बताऊंगा जो कि एक मैनेज सर्विस है Neo4j के द्वारा। अब Neo4j को आप लोग अपने सर्वर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, खुद से भी मैनेज कर सकते हो। जिस तरह से MongoDB का एटलस होता है, Neo4j का Neo4j AuraDB होता है। डिफरेंस यह है कि जो Neo4j AuraDB है वो एक ग्राफ डेटाबेस है और इसमें आप लोग ग्राफ डेटाबेस की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ग्राफ डेटाबेस किस तरह के डेटा को मॉडल करने में हेल्पफुल होता है ये आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल है सोशल नेटवर्क। अगर आप लोगों के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, जैसे फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क के पास आज की तारीख में बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, अब आप करने आ गए हो डेटा मॉडलिंग और आप लोगों को ये देखना है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसको फॉलो करता है, किसने किसकी किस पिक्चर को लाइक किया है, तो आप लोगों को अपने डेटा को एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग मान लो इकोलॉजी के एग्जांपल को लेते हो कि कौन सा एनिमल क्या करता है, किस एनिमल के साथ, ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को जो है मॉडल करनी है, कौन सा एनिमल किस प्लांट को खाता है, कौन सा प्लांट किस तरह की सॉइल पर उगता है, इस तरह की अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन को मॉडल करना है तो आप लोग एक नॉलेज ग्राफ बना सकते हो नोड्स को वर्टिसेस से कनेक्ट कर और फिर उसके बाद इन पर ग्राफ एल्गोरिथम्स लगाए जा सकते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल वेब विजिटर्स का आप लोगों को देना चाहूंगा। कभी भी आप किसी वेबसाइट को करते हो तो आप लोगों का डेटा जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। अब आप लोग किस वेबसाइट पर गए, आपने किस वेबसाइट पर क्या परचेज की, आपने किस वेबसाइट पर जाकर कितनी देर स्पेंड की, आप किस वेबसाइट के बाद किस वेबसाइट पर गए, इसका एक पूरा ग्राफ में डेटा मॉडलिंग की जा सकती है और उसके बाद उस पर ग्राफ एल्गोरिथम्स लगाए जा सकते हैं। अब यहां पर जब मैं कहता हूं ग्राफ एल्गोरिथम्स लगाए जा सकते हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पूरा गेम है कि क्वेरी टाइम पर आप लोग को कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डेटा कंप्यूट होकर जस्ट वहां पर रखा हुआ है। एक नोड किस नोड से कनेक्टेड है ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड है, बस आप लोग को उस नोड से ट्रैवर्स करते हुए चीजों को कलेक्ट करना है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा डेमो देखेंगे। Neo4j के AuraDB के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। Neo4j का AuraDB एक फुली मैनेज्ड सर्विस है। Neo4j को पहली बार 2000s में इंडिया और स्वीडन बेस्ड टीम्स ने बनाया था। अर्ली प्रोटोटाइप के टेस्ट केस के ट्रांसलेशंस हिंदी और स्वीडिश में अवेलेबल थे। तो Neo4j का इतिहास इंडिया से काफी क्लोजली जुड़ा हुआ है। Neo4j के AuraDB की वेबसाइट पर जाकर आपको सिर्फ साइन अप करना है और बड़े आराम से आप लोग अपने ग्राफ को मॉडल कर सकते
सकते हो। इनके पास एक टेस्ट डेटा भी इंपोर्ट करने की फैसिलिटी है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली लर्नर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। Neo4j के Aura DB पे अगर आप लोग साइन अप करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप लोग जा सकते हो और फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा Neo4j के Aura DB को कैसे यूज करना है, कैसे आप लोग ग्राफ डेटाबेस के बारे में आगे फर्दर लर्न कर सकते हो और उसी के साथ साथ एक ग्राफ को कैसे विजुअलाइज करना है Neo4j Aura DB इंस्टेंस बना के। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और Neo4j के Aura DB इंस्टेंस को बनाएंगे और ग्राफ एल्गोरिथम्स के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूं और अब हम लोग Neo4j Aura DB को ट्राई करेंगे। तो आप लोगों को सिंपली यहां पर स्टार्ट फ्री पर क्लिक करना है और आप फ्री में एक Aura DB इंस्टेंस बना सकते हो। बहुत ही फेयरली सिंपल प्रोसेस है। मैं यहाँ पर जल्दी से अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। आप चाहो तो कंटिन्यू विद गूगल करके साइन अप कर सकते हो गूगल से। तो साइन अप वगैरह की सारी प्रोसेस कंप्लीट करके मैं भी वापस आता हूँ। सो मैं सीधा यहाँ पर इस पेज पर लैंड कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो मैं एक बिगिनर की तरह स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, वरना मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मूवी डेटाबेस का जो एग्जाम्पल है उसके साथ स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर है एन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ डेटाबेसेस एंड Neo4j फॉर न्यू यूजर्स, और यहां पर है स्मॉल एग्जाम्पल ग्राफ ऑफ पॉपुलर मूवीज एंड एक्टर्स। तो ये मूवी वाले एग्जाम्पल के साथ आप क्रिएट कर सकते हो या फिर आप लोग यहां पर यहां क्लिक करके जो है स्टार्ट कर सकते हो। अब यहां पर देखो, ये एक पासवर्ड इन्होंने मुझे दे दिया है। मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लूंगा और इसके बाद मैं इस पासवर्ड को नहीं देख सकता। तो जब भी आप एक नया Neo4j इंस्टेंस बनाते हैं तो ये पहली बार आपको सिर्फ एक बार पासवर्ड देखने को मिलेगा। आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद जो है, इसके बाद आपको Neo4j कभी नहीं बताएगा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू Neo4j Aura DB। अब Aura DB क्या है? एक फुली मैनेज डेटाबेस है, यानी कि आपको Neo4j का कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अपने सर्वर पर। आपके पास सर्वर होने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये। और आप लोग यहाँ पर जो है स्टार्ट कर सकते हो। अब आपके यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये सारी चीजें क्या हैं। तो Neo4j फंडामेंटल्स आपको बताएगा कि भाई ग्राफ क्या होता है, किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। साइफर फंडामेंटल, साइफर क्या है? साइफर एक क्वेरिंग लैंग्वेज है जो कि ग्राफ डेटाबेसेस को क्वेरी करने के लिए यूज की जाती है। तो साइफर के बारे में आप लोग को यहाँ पर पता चलेगा। डेटा मॉडलिंग फंडामेंटल, की आप अपना डेटा किस तरह से मॉडल कर सकते हो। फिर एक CSV डेटा अगर आपके पास मौजूद है, जो कि हम सबके पास होता है, एक बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है डेटा का, तो उसको कैसे इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, एक नया इंस्टेंस बनाऊंगा यहाँ पर, और इंस्टेंस 01 नाम से ऑलरेडी मैंने अपना इंस्टेंस बना लिया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर पूरी मेरी जर्नी सी एक चलती है। तो मुझे यहाँ पर एज अ बिगिनर जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन अगर आप लोग को पता है ऑलरेडी ये सब चीज़ें आती हैं, तब आप जो है सिर्फ इंस्टेंस बनाकर उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि अभी मैं Aura DB में इंटरेस्टेड हूँ, जो कि एक ग्राफ डेटाबेस है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये मुझे काफ़ी चीज़ें बताता रहेगा, बट जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो फ्री इंस्टेंस है वो बन चुका है। मैं ओपन पर क्लिक करूँगा और ओपन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मैं Neo4j की वर्क स्पेस पर आ जाऊँगा। तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद इनको एक्सेप्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, ये वही पासवर्ड है जो कि मैंने कॉपी किया था और डाउनलोड किया था, तो मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं तीन टैब्स देख सकता हूँ। पहली टैब क्या है? पहली टैब मेरी है एक्सप्लोर, उसके बाद यहाँ पर क्वेरी, फिर इंपोर्ट। इंपोर्ट से मैं CSV डेटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ। क्वेरी से यहाँ पर साइफर क्वेरीज चला सकता हूँ। अब साइफर क्या है? साइफर एक क्वेरी लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। चारों टैब्स मैंने यहाँ पर खोल रखी हैं। Neo4j के फंडामेंटल से लेके आप लोग सब कुछ यहाँ पर सीख सकते हो। और एक सबसे बड़ी एडवांटेज मालूम है क्या है, कि आप यहाँ पर ये जो साइड में गाइड है, इसको पढ़ते पढ़ते अपना डेटा इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे, नेक्स्ट पर क्लिक करते जाओगे, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब अगर आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हो डेटा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट द नॉर्थ विंड डेटा सेट। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, ये आपके डेटा को इंपोर्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये जस्ट एक यूटिलिटी है जो इन्होंने बनाई है। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, अभी ये डेटा जो है यहाँ पर आ गया, CSV फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। मुझे यार रन इंपोर्ट पर क्लिक करना पड़ेगा इस डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। तो मैं रन इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा, तो ये CSV डेटा जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, मैं इसको विजुलाइज़ कर सकता हूँ और मैं एक्सप्लोर से और अच्छी तरह से विजुलाइज़ करूँगा जब मेरा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं वेट करता हूँ डेटा के इंपोर्ट होने का। मेरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है, मैं स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पर क्लिक करके एक्सप्लोर टैब पर चला जाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं अपने डेटा को अभी देख सकता हूँ अच्छी तरह से। अब आप यहाँ पर देखो कि ये एक सप्लायर है, ये इसको सप्लाई करता है, इसको सप्लाई करता है। मैं यहाँ पर जूम आउट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जूम इन कर सकता हूँ और अपने डेटा को इस तरह से विजुलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ डेटाबेस की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इंस्टेड ऑफ टेबल्स, इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्टेड ऑफ जेसन्स, आप इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो अपने डेटा को। डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं और नोड्स हैं, और एज अ ग्राफ आप लोग इस पर ग्राफ एल्गोरिथम्स भी लगा सकते हो। तो आप लोग इसको पढ़ो और पढ़ते पढ़ते जो है साइफर भी सीखो। अब मैं आपको साइफर की एक दो क्वेरीज रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक साइफर की क्वेरी है जो कि क्या करेगी,
25 प्रोडक्ट्स मुझे रिटर्न करेगी। तो मैं क्वेरी में जाकर इसको यहाँ पर रन कर दूंगा, जैसे ही मैं रन करूँगा आप देखो यहाँ पर इसने 25 प्रोडक्ट्स मुझे रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो ये 25 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे रिटर्न होकर मिल गए। मैं इन पर होवर करके इनके बारे में जान सकता हूँ। अब मैं और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी चला सकता हूँ, अगर मैं कहूँ कि यार मुझे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही चाहिए, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि सप्लायर कौन सा सप्लाई कर रहा है ये भी मुझे दिखाओ। अगर मैं ये भी चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर एक दूसरी साइफर क्वेरी चला लूँगा। और आप एक चीज़ देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि जो मैंने यहाँ पर क्वेरी चलाई है, पुरानी क्वेरी जो थी वो मेरी नीचे यहाँ पर आ गई, यानी कि एक क्वेरी मैंने यहाँ पर चलाई है। तो ये टैब जब तक मैं बंद नहीं करूँगा तब तक ये वाला सेक्शन मुझे दिखता रहेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट सप्लायर, सप्लायर के साथ साथ मुझे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं और 25 प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उनके सप्लायर भी मेरे पास आ रहे हैं कि भाई कौन सा सप्लायर सप्लाई करता है। तो साइफर को रन करना बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर लिखा मैच करो सप्लायर प्रोडक्ट सप्लाई करता है, कुछ इस तरह से मुझे दिखाओ कि कौन सा सप्लायर कौन से प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसी के साथ साथ इसमें आगे और भी है, एक एस सप्लायर भी है। तो यहाँ पर एन जो है वो प्रोडक्ट है, ये वाली रिलेशनशिप है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ये प्रोडक्ट है ये सप्लायर सप्लाई करता है, तो ये एक रिलेशनशिप है और एस सप्लायर है। जैसे कि आप देख सकते हो एन आर और एस रिटर्न कर दिए जा रहे हैं और 25 हमको चाहिए यहाँ पर एंट्रीज। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि ये वाला जो सप्लायर है ये सप्लाई करता है इनको, इनको और इनको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही हैं। बहुत अच्छी तरह से हम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जाते जाते मैं यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स क्वेरी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी। तो सारे प्रोडक्ट्स जो कि ऑर्डर किए गए हैं किसी एक गिवन कस्टमर के द्वारा और उन प्रोडक्ट्स को कौन सप्लाई करता है, तो ये क्वेरी को कॉपी किया जाएगा अभी यहाँ पर और हम ऊपर यहाँ पर डाल देंगे क्वेरी में। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सी डॉट कंपनी नेम ये है, यानी कि हमें एक यहाँ पर हमने कस्टमर जो है वो सेलेक्ट कर लिया बाय कंपनी नेम। ठीक है, हमने ये कंपनी नेम से एक कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। हमने कहा कि भाई ये वाली जो कंपनी है इस कंपनी को कौन कौन से प्रोडक्ट्स गए वो दो और वो सप्लाई किसने किए वो दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस क्वेरी को रन करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे पूरा डेटा जो है विजुलाइज होकर मिल गया। अब मैं यहाँ पर जो कस्टमर है मेरा वो एक है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कौन सा वाला कस्टमर है। देखो पिंक कलर से इसने मुझे बताया कि भाई पिंक वाला कस्टमर है। हाँ ठीक है, कौन है ये कस्टमर, हन्ना मूजी ये कस्टमर है, कंपनी नेम ये है और कॉन्टैक्ट नेम ये है। यहाँ पर रेड कलर के कस्टमर ग्रीन कलर के ऑर्डर प्लेस करते हैं जिसमें पर्पल कलर के प्रोडक्ट्स हैं और वो ये ब्राउन कलर वाले सप्लायर के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जो है विजुलाइज कर सकता हूँ। और ये क्या है, ये है ऑर्डर। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो है वो क्या है, ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के अंदर कौन सा प्रोडक्ट था वो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई ये ऑर्डर है, इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट था, ये ऑर्डर है, कौन सा प्रोडक्ट था इसके अंदर, ये वाला प्रोडक्ट था, किसने सप्लाई किया, ये वाली कंपनी ने सप्लाई किया। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ डेटाबेस को विजुलाइज कर सकते हैं। इसको मैं बड़ा करके भी देख सकता हूँ और यहाँ पर अच्छी तरह से जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल दबा के जूम आउट कर सकता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन में जूम इन कर सकता हूँ और डेटा को विजुलाइज कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरह से। आप सभी लोग इसको ट्राई आउट जरूर करना, अपना अपना इंस्टेंस बनाओ, सीएसवी डेटा इंपोर्ट करके देखो। और ये गाइड्स को आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये चीज़ कितनी आसान है। और नियो फोर्जे और डीबी से तो और भी इजी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को इंस्टॉलेशन करने के झंझट, सर्वर बनाने के झंझट, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। सो गाइज, आई होप आप लोग को ये डेमो अच्छा लगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्राफ डेटाबेस की दुनिया है वो एक बहुत वास्ट फील्ड है, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। और आप लोगों को ग्राफ डेटाबेस के बारे में अगर सीखना है तो एक इसका लर्निंग कर्व है। आपको टाइम टू टाइम सिंपल प्रॉब्लम्स को मॉडल करने से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की मॉडलिंग तक जाना होगा और आप लोगों का सफर बहुत ही स्मूथ होगा अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सीखते हो। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना पहला इंस्टेंस ऑरा डीबी से बना लें और अपने पर्सनल किसी डेटा को मॉडल करने की कोशिश करें। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो बिल्ट इन ट्यूटोरियल हम लोगों ने देखा था वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। आई होप आप लोग को इस वीडियो में मजा आया। दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, तो आप लोग इसको एक्सप्लोर करें और इसको सीखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। We'll be right back.